साइंस दिसंबर 2019 का ये हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक किया था। अब नेक्स्ट इसको रिपीट करते चलते पिछले वाला पेडागोजी के चालू हो गए इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ साइंस में क्या नहीं आता, तो साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स, ये वाला उसका सही जवाब है, फोर्थ वन। और नेक्स्ट है कि एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी द, एनसीएफ 2005 के हिसाब से गुड साइंस एजुकेशन कैसे होना चाहिए, तो ट्रू उसका चाइल्ड। हाँ ट्रू चाइल्ड, ट्रू टू द चाइल्ड, ये सही जवाब है, बच्चे के प्रति निष्ठ होना चाहिए। उसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी इन एक्सपेरिमेंट, वैलिड प्रोसेस कॉग्निटिव। उसका फोर्थ है प्रोसेस, इसमें से कौन सी प्रोसेस है एक वैलिडिटी ऑफ अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम में जो सेटिस्फाई होती है एक्टिवली एंड एक्सपेरिमेंट। कॉग्निटिव जानने वाली संज्ञानात्मक हिस्ट्रिकल इन्वायरमेंट, तो प्रोसेस, तो प्रोसेस को याद रखना है वैलिडिटी ऑफ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम में जो एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट में आता है। ज़्यादातर कॉग्निटिव जैसे कि वो CDP वगैरह के हिसाब से हम हमेशा कॉग्निटिव करते हैं तो जहन में वो आता है, और इन्वायरमेंट वगैरह ये भी नहीं है, तो प्रोसेस रख लीजिए एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट के बीच। और एक चीज़ ये भी याद रखना है कि साइंस में एक्सपेरिमेंट वाले चीज़ें पॉजिटिव होंगे EVS में, जबकि निगेटिव होते हैं एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन डिस्कशन वगैरह आता है और साइंस में एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी सेटिस्फाई जो होगा तो वो प्रोसेस। उसके बाद है अनु टुक हर क्लास 8 चिल्ड्रन टू फील्ड ट्रिप पर ले जाती है अनु 8 क्लास के चिल्ड्रन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर दिस एक्टिविटी, इट इनकरेजेस इंट्रैक्शन अमंग चिल्ड्रन, इट प्रोमोट्स प्रोसेस स्किल थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, इट एनहांसेस ऑब्जर्वेशन स्किल अमंग द चिल्ड्रन, इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ क्लास एज वेल सर एज ऑफ टीचर। कौन सा थर्ड? इनकरेज तो होगा इंट्रैक्शन अमंग चिल्ड्रन, और प्रमोट भी होगा, और ये ब्रेक भी होगा मोनोटोमी ऑफ क्लास, थर्ड भी होगा सर, ABC। ABC हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं कि बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करते हैं, और इसका आंसर देखते हैं अभी। उसका फर्स्ट है ABC सही जवाब है आपका, ब्रेक्स मोनोटोनी ऑफ क्लास एज वेल ऑफ टीचर, ये नहीं रहेगा कि शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है, तो तोड़ेगा नहीं, जबकि बच्चों को अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, ये सही है, ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है, भी सही है, और बच्चों के मध्य अंत क्रिया को प्रेरित करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट द अपर प्राइमरी लेवल, इनमें से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, इनकलकेटिंग द वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ, कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, एम्फेसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, बच्चों की प्राथमिक Emphasizing the textbook definition of concept. लास्ट वन तो चेक करते हैं उसका। तो फोर्थ सही जवाब है कि अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं को बल देना ये नहीं होना चाहिए, साइंस एजुकेशन में जोर देना टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है, कल्टीवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर है वैज्ञानिक संभाव का विकास करना, इनकलकेटिंग वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना है, नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा को पोषण करना, है तीनों है, लेकिन याद रखना कि टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं आएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहांस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा कौन सा दे सकता है, आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक इन क्लास, आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ टेक्स्ट बुक, आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्फ इन अ ग्रुप फॉलोड बाय शेयरिंग इन अ लार्ज ग्रुप डेमोंस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय टीचर। थर्ड सर, आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्फ्स इन ग्रुप फॉलोड बाय शेयरिंग लार्ज ग्रुप। क्रिटिकल थिंकिंग 82 उसका थर्ड सही है। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि वहाँ पर क्रिटिकल
क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही थी, सिर्फ यहाँ पर मुशायदा नहीं था, तो वो हिसाब से यहाँ पर अभी एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा, और ये आएगा कि चिल्ड्रन से डिस्कस करना देमसेल्फ ग्रुप्स में, फॉलोड बाय शेयरिंग लार्ज ग्रुप में, जो कि हमेशा की तरह में डिस्कशन वाला पॉइंट सही होता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से वो सही हुआ, क्योंकि पेडोगोजी का क्वेश्चन ये है और साइंस के एक्सपेरिमेंट का कुछ उसमें लिखा नहीं। नेक्स्ट है, अ टीचर बिगिंस द क्लास बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द केमिकल टेस्ट ऑफ स्टार्च इन गिविंग सैंपल फूड, द कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएटेड विद द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव स्टेटमेंट। डेमोन्स्ट्रेटिंग का क्या मतलब है? क्रिएटिंग एनालिसिस, अप्लाइंग अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग प्रदर्शन करना क्या है? सृजन करना, विश्लेषण, अनोप प्रयोग करना, बोध करना। क्या जवाब दिए थे हमने? क्रिएटिंग, एनालाइज सर, क्रिएटिंग अप्लाइंग हो सकता है। हाँ अप्लाइंग सही जवाब है, अप्लाइंग इज राइट आंसर। अनुप्रयोग करना, देखिए यहाँ पर हिंदी भी कभी कभार देखने में, के डेमोन्स्ट्रेटिंग, अप्लाइंग, अनुप्रयोग, मतलब प्रयोग में आ रहा है, अनुप्रयोग करना। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब हो रहा है अनुप्रयोग, क्रिएट नहीं हो रहा, एनालाइज नहीं हो रहा, विश्लेषण, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग। विच ऑफ द सैंपल फॉलोइंग, पहले उसको, जी क्या बोले, सैंपल ऑफ फूड, जैसे केमिकल, मतलब सैंपल पहले से मौजूद है उस पर सिर्फ एप्लीकेशन का काम हो रहा है, इसलिए हाँ बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल नॉट, क्या नहीं प्रोवाइड करेंगे फॉर एक्टिव लर्निंग अमॉन्ग चिल्ड्रन? इस्टेब्लिशिंग साइंस क्लब, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फील्ड ट्रिप, डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर, लिसनिंग टू अ लेक्चर इन क्लास। साइंस क्लब 84 का है फोर्थ, लिसनिंग टू लेक्चर इन क्लास, एक्टिव लर्निंग की बात की जा रही है, एक्टिव लर्निंग। तो साइंस क्लब जो होगा, तो विज्ञान क्लब, जिसको साइंटिफिक लैब भी कहा जाएगा, मतलब जैसे कि साइंस लैब क्लब बोला है उन्होंने, उस तरह से जो रहेंगे इस्टेब्लिश करना। और क्लब मतलब उसके यूनियन ग्रुप में भी आ सकता है वो क्लब। और उसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फील्ड ट्रिप, तो ये महत्वपूर्ण होता है ईवीएस में भी, और अब साइंस में भी, इसमें भी होता है। और डेवलप करना साइंस कॉर्नर, साइंस कॉर्नर जैसे कि एक लर्निंग कॉर्नर वगैरह जैसा होता है बुक्स का, उसका तो एक साइंस कॉर्नर, साइंस की एक्टिविटीज़ के लिए। और लेक्चर क्लास में अटेंड करने, ये एक्टिव लर्निंग में नहीं आएगा बता रहे। 84 का है फोर्थ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर इन साइंस? लर्निंग गैप इसमें से जो फाइंड करने में काम में आएगा, सीखने की कमी का पता जो लगाया जाएगा, कॉन्सेप्ट मैप, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट। डी ओनली, ए डी, ए बी सी, बी सी डी। कॉन्सेप्ट मैप तो होगा, रिकॉर्ड भी होगा, पोर्टफोलियो भी होगा। रिकॉर्ड एंड पोर्टफोलियो होगा, तो ए बी सी थर्ड। हाँ एबीसी सर। 85 का चेक करते, थर्ड राइट आंसर है, ए बी एंड सी। तो टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट ये वाला नहीं रहेगा, ये सारे तीनों चीजें आ रही है किसमें? फाइंडिंग द लर्निंग गैप, लर्निंग गैप कहाँ हो रहा है बच्चे का साइंस में, उसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन? इसमें से कौन सा टूल बेस होता है टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, मुशाहदे पर? रिकॉर्ड होगा सर, ये एनाकोंडल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये सवाल पूरे पोर्टफोलियो वगैरह के दे रहा है, तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड बिल्कुल सही जवाब है, जिसमें हादसाती इंदराज वगैरह बच्चे का, वो सारी चीज़ें रखी जाती है, वो लिखा जाता है, ऑब्जर्वेशन पर एनेक्डोटल रिकॉर्ड आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसमें से कौन सा सही है? पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट्स, ये हमने पहले पढ़ा था। एंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट्स। कैमल वूल इज यूज टू मेक कारपेट, कैमल को वूल होता है क्या? पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट्स। एआरडी ए एंड डी तो ऐसा ऑप्शन में नहीं है, दोबारा ए के साथ सी हो सकता है, और अगर सी नहीं है तो सी सिर्फ दो में नहीं है।
ये अंगूरा क्या है? ये अंगूरा इस टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम है, रैबिट। आपको क्या लगता है इसमें सब निगेटिव सबसे नई कौन सा होगा, इसको मतलब उस तरह से निकाल सकते हैं आप? कैमल, कैमल, कैमल का होगा सर, कैमल हाँ, भूल तो वो ही। उसका जो है तो 87 का ए भी होगा, डी भी होगा, पश्चिम एंड सी, के साथ में सी आ रहा है, कैमल वूल इज यूज टू मेक कारपेट, कारपेट बनाने के लिए कैमल का ऊन यूज हो रहा है बता रहे, तो मतलब जो दो सही है, मतलब जैसे कि पश्मीना शॉल जो है तो ये हेयर ऑफ गोट से बनती है, और वो हिसाब से ये जो मतलब पॉजिटिव आपको लग रहा है तो उसके साथ में वो रखकर देखना है ए सी और ए बी, तब यहाँ कंफ्यूजन ये था कि एंगोरा इस टाइप ऑफ वूल, तो अब यहाँ पर इसके लिए देखना है कि ये अंगोरा जो है तो कौन से टाइप का बनता है, एंगोरा रैबिट से रिलेटेड, एंगोरा रैबिट एक एनिमल है एंगोरा नाम का, लेकिन टाइप ऑफ वूल एंगोरा हेयर और एंगोरा फाइबर रेफर टू डाउनी कोट प्रोड्यूस बाय द एंगोरा रैबिट, तो एंगोरा हेयर होता है, एंगोरा वूल नहीं होता, और एंगोरा फाइबर होता है जो डाउनी कोट कोट जो होता है उसका प्रोड्यूस होता है एंगोरा रैबिट से, नेम सोर्सेस एनिमल के सिमिलर होते हैं, एंगोरा फाइबर ये डिस्टिंक्ट है, मोहर जो आया है एंगोरा गोट से, और एंगोरा फाइबर एक डिस्टिंक्ट है कैश्मीर से जो आता है कैश्मीर गोट से, ये भी आ सकता है आपको सवाल कि एंगोरा फाइबर ये कहाँ से, डिस्टिंक्ट फ्रॉम कैश्मीर, वो आता है कैश्मीर गोट से, एंगोरा रैबिट और एंगोरा गोट ये दो चीजें याद रखना, एंगोरा गोट भी होता है उसको आपको, रैबिट भी होता है, गोट भी होता है सर। हाँ उसको एक आपको बता देते हैं उसके बारे में, ये देखिए एंगोरा गोट इस तरह से आता है, ये एंगोरा रैबिट, म्यूट करके रखना है जो जो ज्वाइन हुए अभी, और म्यूट नहीं हो रहा है तो उनको रिमूव करना पड़ेगा। द रैबिट्स ऑफ एंगोरा बेस्ड आर एडोन विथ फर ग्रोथ ऑफ योर वूल ऑन ईयर्स, तो इसको हमने एंगोरा रैबिट डाला था, सॉफ्ट वूल या क्लॉथ बोल रहे हैं, तो एंगोरा सॉफ्टनेस थिन फाइबर रेफर होता है, हेलो फुलफिलनेस सिल्की टेक्सचर में होता है, और मच वार्मर तो बहुत सॉफ्ट होता है मतलब, तो एंगोरा रैबिट ये यहाँ से लार्ज है ब्रीड कमर्शियल बॉडी टाइप, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन से नहीं मिल पा रहा कि एंगोरा टाइप ऑफ वूल ऑप्टेंस फ्रॉम रैबिट, तो उसके रैबिट से वो वूल नहीं निकाला जाता, हालांकि एंगोरा का जो सॉफ्ट हेयर वगैरह होता है तो हेयर होता है, और कैमल वूल, कैमल वूल ऐसा लगता नहीं है कि कैमल वूल है बोलकर, कैमल वूल फैब्रिक जो बोलकर आता है तो हमको ऐसे डायरेक्टली लग नहीं पाता कि कैमल का वूल हो सकता है, तो कैमल वूल एक फैब्रिक है जो कोस्ट ऑफ कैमल से निकलता है, जिसमें कैमल हेयर वगैरह ये सब जो चीज़ें, कैमल हेयर इसको भी कहा जाएगा, जिससे मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कारपेट वगैरह बनाने में यूज़ हो, और पश्मीना वूल जो है तो रैबिट से आता है, ये भी गलत है, ये देखिए पश्मीना गोट आ रहा है, पश्मीना वूल ये किससे ऑब्टेन होता है, तो ये वूल पर्शियन है कश्मीर का, तो ये पश्मीना गोट से आता है ये,
पश्मीना बोझ। तो बहुत कंफ्यूज करके क्वेश्चन दिया गया था, जिसको आप एक बार याद रख ले अगर, कि कैमल वुड जो है, तो क्योंकि हमारे यूज में आ रहा है टू मेक कारपेट्स, और पश्मीना शॉल जो बन रही है हेयर ऑफ गोट से बन रही है, पश्मीना वूल रैबिट से नहीं बन रही, और ना रैबिट से ही हम कोई वूल का इस्तेमाल कर रहे हैं गोट। तो ये दो चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट है 88, आइडेंटिफाई करना है आइडेंटिटी द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर लिस्टेड बिलो। लॉन्ग बैकबोन, मैनी मसल्स, बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। स्नैक्स सर, अर्थवम, अर्थवम उसका फर्स्ट स्नेक सही जवाब है, स्नेक सांप। लॉन्ग बैक बोन होती है उसकी, अर्थवर्म में शायद वो नहीं पाई जाएंगी। मैनी मसल, बहुत सी मांसपेशियां है उसकी, और बॉडी कर्व होती है इनटू मैनी लूप्स, अनेक गलियों में मोड़ता है वो, मूविंग फॉरवर्ड मैनी लूप्स में। तो फर्स्ट ही सही है, बाकी जो चीजें हैं मैनी मसल तो स्नेल, या फिर लॉन्ग बैक बोन, लॉन्ग बैकबोन ये जब आता है तो स्नेल, हुकवर्म और अर्थवर्म में ये चीज नहीं आती जो स्नेक में आएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से क्या सही नहीं है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स, आर्टरीज हैव थिक वॉल, आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल्स। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम, पहला ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। अरे वॉशिंग मशीन के ऊपर, उसके ऊपर जो है ना बनना, उसको हाथ से धोने का है, कौन है वहां पे? आपकी वॉशिंग मशीन की आवाज यहाँ तक आ रही है, उसको म्यूट कर दीजिए जवाब देने के बाद। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है, सारी आर्टरीज जो होती है, सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रिक्त को ले जाती है। सारी आर्टरीज क्या होती है? धमनियां। ये सही नहीं है, रक्त को मतलब खून को ले जाती है ऑक्सीजन समृद्ध, तो सब नहीं ले जाती, सिर्फ ऑल आर्टरीज ऑफ कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स। तो ये सही हो रहा है, हार्ट टू अदर पार्ट्स, और आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल, सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर, एसेटिक एसिड, लैटिक लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो कर्ड, स्पेनेच और सिट्रस फ्रूट्स, विनेगर। तो इसमें से क्या जोड़ी लगेंगी? लैक्टिक एसिड, कर्ड, थर्ड, ए का फोर्थ। एक मिनट सर, एक मिनट, सी थर्ड है, सर, थर्ड, 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 ए का फोर्थ, एसेटिक एसिड, विनेगर। बी का वन, कर्ड, एब्जॉर्बिक एसिड, हाँ सिट्रिक एसिड, एसेटिक थर्ड, अम्ल जो है तो फोर्थ बोल रहे हैं आप, सिरका, और लैक्टिक अम्ल जो है तो सेकंड का रहेगा, वन दही, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड थर्ड का सेकंड, हाँ स्पेनिश, पालक। वो तो देखते हैं इसको, उसका थर्ड सही जवाब है, थर्ड करेक्ट आंसर। तो दही से कर्ड से ये भी याद रख सकते हैं आप, लैक्टिक एसिड, विनेगर का एसिटिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स, फ्रूट्स का कैसे याद रखेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, और पालक से आप याद रख सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो ये वाला जो है तो साइंस का ये पार्ट टू खत्म होता है।